नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या सिंह। रुक करते हैं खबरों का, जहां जांजगीर चांपा जिले में जिला प्रशासन के द्वारा राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए विशेष राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नवागढ़ ब्लॉक के बर्रा गांव के कोटवार की मनमानी और अड़ियल रवैये से ग्रामीण जो है वो खासे परेशान देखे जा रहे हैं, और कोटवार द्वारा राजस्व के छोटे छोटे मामलों के निपटारे के लिए पैसा मांगने और गांव में नहीं रहने से ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। बता दें कि सरपंच के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोटवार को हटाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर के देखिए ये रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं और बच्चों के साथ पहुंचे ये लोग ग्रामीण पंचायत बर्रा से आए हैं। ग्रामीणों की समस्या गांव का कोटवार है, जिसे गांव में कोटवारी करने के नाम पर शासन से 10 एकड़ खेती भूमि मिली है, लेकिन कोटवार गांव में रहने के बजाय 25 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण में रहता है और गांव की कोटवारी जमीन को गिरवी रख दिया है। ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिवरी नारायण जाकर कोटवार का हस्ताक्षर लेना पड़ता है, और कोटवार हस्ताक्षर के बदले ग्रामीणों से 1,000 रुपए की डिमांड करता है। कोटवार के तानाशाही रवैये से परेशान होकर के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर से शिकायत कर कोटवार के खिलाफ कार्रवाई और उसे हटाने की मांग की गई है। बर्रा हमन गांव वाला मन आए हैं कोटवार हटाए बर। हमें ये परेशानी है, गांव में कोटवार 25-30 साल हो गए शिवनान में रहते, शिवनान में वाला पट्टा मिले है आवासी और बर्रा में मिले है। वह जमीन ला गिरी रख दा रहे, बहुत ला खेती करा नहीं और बेच भी दे है, और आ जाती निवास बनवाए बा हमारा शिवरी नारायण जात लगते, फौती कटवाए बा 1,000 रुपये मांग करते, और हमारा गांव धमकी देते मोर काय उखाड़ी है तो उखाड़ लिया गांव वाला मन कुछ उखाड़ नहीं सका करते। तो शिकायत हम अब कलेक्टर साहब कर आए हैं, शिकायत करे ओका बाद SDM कर जाबो और तहसीलदार साहब कर जाबो। तहसीलदार अभी तहसीलदार साहब ओकर आना जाना रहते, नाम से पैसा मांगते वो आ जाती निवास में मांगते, फौती बंटवारा में भी मांगते, और सिमरान हमारे जाए जाते 20 किलोमीटर हमारे गाँव ले पड़ते। अब हमन चक्का जाम करबो, हड़ताल करबो, ओकर हटत हमन बहुत परेशान हन गांव वाला मन। अब यहाँ बर्रा में अपन आओ तालाब के पार में घर बनात है, अभी लिंटर नहीं होए घर बनात हो, और गांव वाला मन भी धमकी देते बेजा कब्जा बनात है, अब बोलते तो पट्टा वाला है कहते, तो दोनों गांव में पट्टा थोड़े मिली, या तो बर्रम रह के कोटवारी कर रहे। हमारे गांव कोटवारी का नाम सुंदरलाल चौहान है, उकर व्यभिचारी हर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहली बात तो अगर गांव बर्रा में कोटवारी करते, गांव बर्रा में रहे नहीं, आज से 25-30 साल पहले शिवनाम में जाके बस गए वहाँ। यदि गांव के लड़का मन स्कूल जाए बर पढ़े लिखे बा आजकल जाति निवास जरूरत पड़ते दस्खत करे के, तो शिवनाम जाए बे लागते हैं। जो 20-25 किलोमीटर खड़े बरसात में खड़े धूप में जा करके हमला बड़ा परेशानी उठाए पड़ते हैं। यदि दस्तखत भी कर ही तो 1,000-2,000 रुपया पैसा बिना वह दस्तखत नहीं करे। साथ ही साथ तो लोग कोटवारी जो जमीन मिले है 10 एकड़ ओमा की कतकू जमीन तो कुछ लोग बेच चुके हैं, और जमीन लो हर गिरवी रख के किसान वगैरह गिरवी रख दे है, और अत्याचारी हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। यदि कुछ भी बोलते ओला तो जाओ मोर का उखाड़िया उखाड़ ला, तो उन गांव भर उखाड़िया तो उखाड़ ला, ऐसे बोलते हैं। तो हम एक स्थिति गांव के बर्रावासी मन सब त्रस्त हैं, वो लोग किसी भी प्रकार से एक कोटवारी पद से बहिष्कृत किया जाए, और शासन से निवेदन भी करबो और निवेदन भी कर आए हैं, और हमन के जो मांग है, हमन के जो ये है तेहर हमन ला शासन है बिल्कुल ये ला पूरा करी, यही हमन के निवेदन है। निकल लिए आए हैं कि कोटवार जो है बहुत हमें परेशान करत है, कुछ भी सही नून करवाना रही थे तो थोड़ा बहुत पैसा मांगते, 40 साल होने वाला है यहाँ रहा नहीं हमारे गांव बर्रा गांव में, हम निकालना चाहते हैं। मन कई दुआ है
थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा खाते बहुत परेशान करे थे। 40 साल होने वाले हमारे गाँव में रहे नहीं, ओला रखना नहीं चाहता, नहीं हम इनकी दुआ और हम खेत भी कर गिरवी रखे हैं 2 एकड़ का। कौन रखे? तुम रखे? हाँ, उस वही मन के कोटवार मन के ला रखे हैं। लड़का को कर शादी हुई ना, तब हम इमन वो कर खेत लगी भी रखे ना, वो कर पैसा भी है फंसे हमार पैसा कर जगह हमार पैसा भी आई। हाँ, यही दुआ है हमन के, पैसा भी लमंगवा वो कोटवाला निकालना चाहता, रखना नहीं चाहता, यही हमन की दुआ है। बहुते पैसा खाते, कुछ साइन करवाने के लिए जाता तो कुछ भी नहीं, पैसा मांगते 2000-3000 दहत, फिर हम लोग काम लोग करबो, बोला हटाना चाहता, रखना नहीं चाहता। वही बर्रा गांव से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद एडिशनल कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और शिवरी नारायण के तहसीलदार को मामले के तत्काल जांच के निर्देश दिए। कोटवार के खिलाफ मिले शिकायतों की पुष्टि होने पर कोटवार को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शिवरी नारायण तहसील के अंतर्गत बर्रा ग्राम से जो है वो लगभग 40-50 ग्रामवासी आज शिकायत लेकर के आए हुए थे कि बर्रा ग्राम का कोटवार वो मूलतः अपने गांव में न रह करके शिवरी नारायण में स्थायी रूप से निवास कर रहा है और वहां से कोटवारी कार्य कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। कोटवार उसी गांव का होना चाहिए, वो गांव का उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन आई थिंक न जाने किस कारण से वो शिवरी नारायण में रह रहा है, तो उसमें जाँच करके जो है उसके विरुद्ध जो है तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी गाँव का किसी न किसी कोटवार नया जो नियुक्त करने के तहसीलदार को आदेशित किया गया है। जिला प्रशासन राजस्व प्रकरणों को ग्रामीणों के घर पहुंचकर निपटारा करने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की है और ग्रामीणों के स्थानीय स्तर पर होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए राजस्व प्रकरणों के निपटारा करना शुरू किया है, मगर कोटवार की वजह से राजस्व मामले पर सवाल उठता देख अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्व अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ ग्रामीणों का प्रकरण निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए राज्य की सरकार जिस तरह सतह से जुड़कर काम कर रही है और लोगों की परेशानियों को निपटा रही है वो जग जाहिर है, लेकिन समस्या के लिए पदस्थ अधिकारी ही भ्रष्टाचार पर अगर आमदा हो जाए और अपने ही ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दें तो ग्रामीण अपनी परेशानी लेकर कहां जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा, साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी, आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356954-9039-501771 पर। ब्रेक के बाद खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां मैतारी वंदन योजना के तहत 5 से 20 फरवरी तक महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे हैं। वहीं मैतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। बता दें कि योजना के तहत 1 मार्च से ₹1000 प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके आवेदन सोमवार 5 फरवरी से किए जा रहे हैं। योजना को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल होनी चाहिए। कुमार हरखबर न्यूज चैनल से, इस वक्त हम प्रतापपुर में जहां पर सीओ कार्यालय है और वहां पर आए हुए विभिन्न प्रकार ग्रामीण और अच्छे व्यक्ति से ही कहने का मतलब प्रबुद्ध जन से बात करते हैं और महतारी वंदन जो खास योजना है अपना, इसे चर्चा करते हैं, क्या शासन की नीति है, कहां तक पहुंच रही है और क्या ये समझते हैं अपने वास्तविक स्थिति में। शुभ नाम विनोद जायसवाल, धन्यवाद। देखिए, 5 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है अपने छत्तीसगढ़ में और सरगुजा से हमारे
माननीय विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं और हम लोगों की प्रतापपुर की लाडली विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की अगुवाई में जितने भी शासन की महती योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है कि हर योजना को आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है और योजनाओं का लाभ दिलाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मोदी जी की अगुवाई में वो कार्य होता है। ये जो महतारी वंदन योजना थी मोदी जी की गारंटी थी जो अब धरातल पर दिखने लगी है, सबके फार्म भर रहे हैं और फरवरी या मार्च से ही सबके माता बहनों के अकाउंट में 1,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाएंगी, जो निश्चित ही महिलाओं के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी विधायिका महोदय माननीय श्री शकुंतला सिंह पोर्ते जी का यह उद्देश्य है कि शासन के इस लाभ को महिला हर जो भी महिला पात्र हैं उनके तक जल्द से जल्द पहुंचे और वो जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करें और जो मोदी जी की 2047 तक विकसित भारत योजना है उसमें अपना संपूर्ण भागीदारी बने। क्या लगता है कि ये अमृतकाल महोत्सव जो अपने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा होगा, ये कहा जा सकता है ये अच्छे युग? देखिए छत्तीसगढ़ तो बीजेपी के आने के बाद ही 2003 से रफ्तार पकड़ी थी, बीच में कुछ कारणों से 5 साल बीजेपी की सरकार नहीं रही, लेकिन जनता ने फिर से समझा कि हमारा विकास, वास्तविक विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। उसी को समझते हुए एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर हमारे मोदी जी ने विश्वास जताया और सरगुजिया मुख्यमंत्री रूप में माननीय विष्णु देव साय जी को कार्यभार दिया है। उनकी अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार निश्चित ही एक ऊंचे मुकाम को प्राप्त करेगी और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में उज्ज्वल होगा। जैसा देखा जाए तो अभी एक प्रकार सरकार के ही अमृतकाल महोत्सव के तौर पर देखा जा रहा है जी, और भारत नव निर्माण में चल रहा है, तो ये महतारी वंदन योजना कहाँ तक साबित होगा? ये आखिरी छोर तक होगा और जैसा हम विनोद जायसवाल ने भी बताया और हकीकत चीज है वो, और जो अभी मोदी जो चला रहे हैं संचालित कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छा है और सब पब्लिक पूरे सराहना कर रही है उनका, और ऐसा रहा तो 5 साल के बाद ही हमारा शासन बीजेपी का फिर आ सकता है, हैं तो मैं इतना ही बोलूंगा, बढ़िया कार्य हो रहा है। आपके अनुसार कैसा लगा? अरे बोल रहे हैं ना कि हम लोग का पेंशन दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए, नहीं मिल रहा है, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, साहब का बोल रहे हैं मंत्री जी के उनके विधायक से हम लोग चल रहे हैं, अब नया शासन आया, नया शासन से मिलना चाहिए, मतलब कि मिल रहा था तो अभी साल भर हो गया नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके पास कोशिश कर रहे हैं। अभी आप फॉर्म भराए हैं क्या? हाँ हाँ भराया है। महतारी वंदन योजना में है, पेंशन हाँ, योजना है, तो क्या लाभ मिल रहा है आपको? अभी तो कुछ लाभ नहीं मिला है, तो क्या आशा करते हैं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। आपको भरोसा है सरकार पर? तो भाई भरोसा रहे चाहे ना रहे तो सरकारें ना देंगे, अब कहाँ हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएंगे भैया। आपके हिसाब से जो विष्णु देव साय जी सीएम है अभी कैसे हैं? तो सीएम है तो भाई उनके ही योजना से तो हम लोग चल रहे हैं, छोटा बड़ा से लेके चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, सबका विकास होना चाहिए, ऐसे होता है ना, अब गरीब आदमी है हम लोग तो खुदे हम लोग को मिलना चाहिए, इतने धन्यवाद भैया, नमस्ते। आप एक युवा वर्ग हैं जी, तो आपके हिसाब से महतारी वंदन योजना कहां तक सार्थक साबित होगा सरकार के लिए और युवाओं के लिए? देखिए हमारे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जितना भी 21 साल के उम्र के महिला पात्र हैं उनको ये हर महिलाओं के लिए दिया जाएगा, कहे कि मोदी की ये गारंटी है और वो गारंटी वो पूरा करेंगे। धरातल में कैसा काम चल रहा है, कभी आपने निरीक्षण किया देखा है? हमारे ग्राम पंचायत मडिगाड़ा में अभी एकदम फार्म भराने के लिए जब से 5 तारीख से चालू हो गया है और एकदम भीड़ भाड़ अच्छा से चल रहा है, रोजी भरा रहा है। पैसा लेने की जानकारी? पैसा वैसा नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क भराया जा रहा है इसका जी। मेरा पवन कुमार नाग, कहाँ से? बीडीसी ग्राम पंचायत पहिया से। अच्छा, राजनीतिक पहलू पर भी आप सक्रिय हैं? हाँ।
सुनने में आ रहा बीडीसी है। हाँ, बीडीसी का मतलब क्या होता है? बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी होता है। क्या विकास किया है आपने क्षेत्र में? दिए हैं हैंडपम्प, सीसी रोड, नहानी वहानी घर बनवाए हैं। अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है महतारी वंदन योजना, जी जी, अब पेंशन योजना, कई योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ कहाँ तक आपके माध्यम से कहाँ तक इसको फैलाया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है पब्लिक को? सब फार्म भरा रहा है सब निःशुल्क। कैसे आप जांच करते हैं, कैसे देखते हैं? पूरा ताता लगा हुआ है, सभी का फार्म भरा रहा है ग्रामों में, सबको बता दिया गया है। क्या कभी कोई अधिकारी ग्रामीण स्तर में जाकर इसका सर्वे किया, देखा है? हाँ, देखते हैं, पूरा निगरानी, सीओ भी लगे रहते हैं और जो नोडल अधिकारी बने हैं वो भी लगे रहते हैं, सचिव लोग और पूरे जनप्रतिनिधि लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं कि सभी का फार्म भराया जाए। यह है, हमारे यहाँ 101 ग्राम पंचायतें हैं और उन सभी ग्राम पंचायतों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में फार्म भरवाने की कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो ग्राम पंचायत स्तर पर बनाकर फार्म के साथ सबमिट किया जा रहा है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आईडी और पंचायत की आईडी में उसका ऑनलाइन एंट्री किया जा रहा है ताकि उनको समय पे लाभ दिया जा सके। पारस वगैरह जी, जैसे सीओ साहब आपने यहाँ पर, तो क्या जो फार्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर इसका भी कुछ नहीं? फार्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन ऑनलाइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल लेते हैं ब्रेक। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा, साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी, आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356954-9039-501771 पर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, जहां किसान जो पूरे देश का पेट भरता है लेकिन अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे ही एक तस्वीर मुंगेली से सामने आई है, जहां किसानों में उनकी धान तो खरीदी जाती है किसानों से, लेकिन समय पर उसका भुगतान नहीं दिया जाता। अब जब किसानों के सब्र का बांध टूट गया है तो देखिए क्या कुछ हुआ। राज्य में सरकार भले ही बदल गई हो लेकिन किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। मुंगेली के कोटा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पिछले कई दिनों से बैंक से पैसे नहीं मिलने की वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज रोज केंद्रीय बैंक के चक्कर काट कर किसान त्रस्त हो चुके हैं। अब जब किसानों के सब्र का बांध टूटा तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बैंक के सामने ही धरना देते हुए चक्का जाम कर दिया। किसानों को पैसा नहीं आ रहा है। अब क्या क्या समस्या है बताइए। पैसा नहीं आ रहा है तो क्या समस्या है? कितने घंटा से इंतजार कर रहे हैं, कितने दिन हो गया? आप क्या चाहते हैं? हम लोग सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, हमको बोला गया था कि शुक्रवार को आपको गुरुवार को पैसा मिलेगा, इसलिए हम दिन के हिसाब से आए हैं। सुबह से आए, हमको बैठा के रखे हैं जमीन पे, बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं आया है, तो ये नहीं बता क्यों रहे हैं
कि पैसा आता है तो फिर देते किनको है, और अगर पैसे की शॉर्टेज है तो पैसा एक्स्ट्रा मंगा के क्यों नहीं रख रहे हैं? जब इतना ही कमी है बैंक में तो पैसा पहले से मंगा कर रखना चाहिए, जनता को परेशान काहे कर रहे हैं? हम चक्का जाम किए हैं, आज गुरुवार है, मोटा करगी का आदमी देने वाला रही सब पैसा ला, आज भी नहीं दी छमला पैसा, आज का कैसे नहीं आए, कब तक पैसा है? आज चक्का जाम होने वाला के आज एक दिन के भी आदमी के पैसा भी नहीं मिली, और वो भी के पैसा नहीं मिली। कौन सा बैंक का मामला है? कौन सा बैंक का मामला है? कौन सा बैंक बोला? ये सरकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक बोल रहे हैं, जिला सहकारी खाते में पैसा नहीं है किसानों के। कोई खाए कोई नहीं खाए, कोई पिए कि नहीं पिए, पिए ला के भीड़ लगा देते, कोई कहते पैसा पैसा नहीं आए, जनता नहीं भटकता। आज भी पैसा आ गए के पूरा जनता है, और वो तरीके जगह में आज भी वो मतलब जनता आदमी आते नहीं मिली पैसा, आज भी पैसा नहीं मिली, वो चीज का चीज के कमी के कारण से हमार जगह ले चीज नहीं मिली है, हमला ओकर नाम लेके कहते थी जनता ला कि आज पैसा नहीं मिले तो कोई जनता नहीं आती, लेकिन एक गरीब दुबर है और बिचारी बिचारा भटकत है और कत्तो बढ़ो है, लेकिन आज हमार गरीब के आदमी जितना है तेना भी जगह बैठे हैं, अभी तक ले हमला, और आज कई दिन हो गए, जितना दिन हो गए तब तक ले भी पैसा नहीं मिली, और जैसा करी तैसा चले गई चुमन। आप क्या चाहते हैं? आज कतक कंप्यूटर चलते है तब आज तक काउंटर है जितने चले है, लेकिन आज तक ले पैसा नहीं दी, तब तक सरकार जगह पैसा थे और सब ला विश्राल। आप क्या चाहते हैं? आप क्या हम ये चाहते हैं जितना किसान आए हैं जितना पैसा है देना चाहिए। हाँ, किसानों के प्रदर्शन के चलते करीब 3 घंटों तक आवागमन बाधित रहा। जैसे ही इसकी सूचना अधिकारियों को मिली वैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को जल्द भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। हालांकि इन सब के बीच लगातार सवाल यही बना हुआ है कि जब किसानों से समय पर उनकी धान खरीदी जाती है तो फिर समय पर उन्हें भुगतान क्यों नहीं दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मिर्जापुर जिले के नए एसपी जितेंद्र यादव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि एसपी जितेंद्र यादव 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनका कहना है कि उनका मेन फोकस क्षेत्र का विकास करना और नक्सलवाद को कम करना है। वहीं किरंदुल थाना क्षेत्र के हिरोली कैंप के पास में माओवादियों की आईआईडी प्लांट है, उसका प्लांट लगाया गया था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क के बीचों बीच कमांड आईआईडी लगाया गया था। बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों और बीडीएस की सूझबूझ से इसे निष्क्रिय कर दिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। सूचना मिली थी कि नवनिर्मित जो हिरोली से दोको पार्क के बीच में जो रोड बन रहे हैं उसमें नक्सलियों द्वारा आईडी लगाए गए हैं। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीडीएस टीम और जोलनार का सीएफ बल थाने का बल द्वारा जाके उसको पूरा सर्चिंग किए। सर्चिंग में हमको जो है दोको पारा के हिरोली गांव और कैंप के बीच में एक होल मिला, उसमें एक 10 किलो आईडी लगा हुआ था, इसको मौके पर ही हमारे द्वारा डिस्पोज कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।